मथुरा जिले के ग्राम शोभा सिंह पार्टी चौक में राशन डीलर की दबंगाई का मामला सामने आया है। जो गांव के सभी दलित परिवारों को राशन डीलर राशन नहीं देता है। गांव के दलित गरीब हैं और वहां आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए राशन डीलर अपनी दबंगाई दिखाता है। इस बारे गांव के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2025 साल से लगातार एक ही डिपो होल्डर के पास ठेका है। इसके बाद कई शिरकत भी कर चुके हैं, लेकिन राशन डीलर के ऊपर बैठे अधिकारियों के अच्छे संबंध होने के कारण कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आपको राशन मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बोलती है तुम्हारा राशन है ही नहीं है, तुम क्यों आते हो? तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और उसकी मतलब राशन कार्ड है फिर भी क्यों नहीं मिलता आपको? राशन कार्ड है। और कौन सा काम है? अड्डा। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत जी ये राशन ना टाइम से दे अच्छे थे। और कौन है जो राशन आपको टाइम से नहीं देते? दिक्कत ये है कि खेती बाड़ी है ना, एक भी कूड़ और राशन मिले ना, न तेल मिले। राशन कार्ड आपका है? हाँ। तो फिर राशन डीलर क्यों नहीं देता आपको राशन? पता नहीं साहब क्यों नहीं दे रहे, खेती की बाड़ी इतनी हम पे। क्या बोलते हैं वो आपको? सुंदरा देवी। नहीं, वो क्या बोलते हैं आपको राशन देने? राशन आया ही नहीं आपको? राशन आया ही नहीं आपको? हाँ, जो गरीब मुख मुख जो राशन है कहाँ, गरीब उनको ज्यादा गरीब है कहाँ, उनको राशन है। समस्या यही है कि राशन लेके जाते हैं और अटकते हैं, देते इतना। क्या कहती हूँ? जो कहते हैं कि इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा? ऊपर तो नहीं आ रहा हूँ। मतलब आपको राशन पूरा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं? ना दे रही। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ वेदपाल सिंह। और ये कौन सा गाँव है? गाँव शोभा है, पंचायत सिंगापट्टी है। तो हम यहाँ पे राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है किसी को भी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, हम उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं और कई बार मंगल दिवस, तहसील दिवस, जिनमें सभी में शिकायतें कर चुके हैं। शिकायत भी हमारे पास हैं तो वो लोग कह देते हैं कि हम बार बार जांच करा रहे हैं, हम अब इनकी जांच कराएंगे। जांच टीम आती है और यहाँ से आकर इससे मिलकर चली जाती हैं।